जय श्री कृष्णा स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्रिया सरगम में आज हम बछबारस की सभी कहानियाँ व विनायक जी की कहानी सुनेंगे बछबारस का व्रत भादो मास की कृष्ण पक्ष की बारस को किया जाता है इस दिन महिलाएं गाय बछड़ी की पूजा करती है व गेहूँ मूंग जैसे अनाज का सेवन नहीं किया जाता चाकू से कटी हुई कोई भी चीज़ नहीं खाई जाती इस दिन केवल मक्का चना दाल से बना हुआ खाना ही खाया जाता है तो चलिए सुनते हैं बच बारस की कहानी और विनायक जी की कहानी भादवे का महीना आया बच बारस आई इंद्र की इंद्राणियाँ पूजा करने के लिए धरती पर आई तो उनको गाय दिखी गाय की पूजा करने लगे आगे से पूजा करे तो गाय सींग मारती और पीछे से करे तो लातों से मारती इंद्रानियाँ बोली हम तो तुम्हें पूज रहे हैं और तू हमें मारती है गाय बोली मुझ अकेली को क्या पूछते हो बछड़ा व गाय दोनों की पूजा करो इंद्र की इंद्राणियों ने दर्भ का बच्चा बनाया गाय के पास बैठाया अमृत के छीटे दिए गाय के पास आते ही बछड़ा जीवित हो गया और गाय का दूध पीने लगा इंद्राणियों ने उनकी पूजा की फिर गाय बछड़े को लेकर घर आई गाय के साथ बछड़ा देखकर मालकिन ने उसे घर में घुसने नहीं दिया वो गाय को कहने लगी मेरे तो बच्चा नहीं है तू तेरे बच्चा लाई है मेरे बच्चा लाएगी तो मैं तुझे अंदर आने दूंगी। गाय बोली अभी तो तुम मुझे घर में ले लो अगली बछ को मैं तुझे बेटा दूंगी अगली बछ आई गाय वन में गई इंद्राणिया पूजा करने लगी तो गाय पूजा नहीं करने दे रही थी मार रही थी तो इंद्राणिया बोली अब क्या चाहिए गाय बोली पिछले साल मेरे बच्चा दिया अब मेरी मालकिन को भी बच्चा दो नहीं तो वो मुझे घर में नहीं आने देगी तभी मैं तुमको पूजा करने दूंगी तो इंद्र की इंद्राणियों ने दर्भ का बच्चा बनाया दर्भ का पालना बनाया पालने को गाय के सींगों से बांधा उसमें बच्चे को लिटाया और संजीवनी का छीटा दिया फिर इंद्राणियों ने गाय की पूजा करी गाय बच्चे को लेके घर गई तो सारी औरतें कहने लगी सेठानी तेरे लिए तेरी गाय बच्चा लाई है सेठानी ने गाय को गाजे बाजे से सामने लिया गाय माता ने सेठानी को बच्चा दिया वैसा सबको देना भरा पूरा रखना खोटी की खरी अधूरी की पूरी बछबारस की दूसरी कहानी सांस बहुएं थी सांस को गाय चराने वन में जाना था तो बहू को कहा आज बछबारस है मैं वन में जा रही हूँ तू ग्वालिया मुंगलिया को उबालकर तैयार रखना ग्वालिया मूँगलिया बछड़ों का नाम था बहू विचार में पड़ गई पर डरती हुई उनको काट कर उबालने रख दिया वन से सासू घर आई और बहू से बोली बहू बछड़ों को छोड़ो आज बछबारस है पहले गाय की पूजा करने में बहू डर के मारे हाथ मसलने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान मेरी लाज रखना भगवान को उसके भोलेपन पर दया आ गई हांडी में से भाप निकल रही थी उसे फोड़कर बछड़ा बाहर आ गया उसके गले में हांडी के किनार रह गई यह देख सासू ने पूछा बहू ये क्या है बहू बोली सासू जी आपने मुझे बोला तो मैंने बछड़े को समझ कर काट कर उबालने रख दिया पर भगवान ने मेरा सत रखा और इसको वापस जीवित कर दिया इसलिए उस दिन के बाद कटा हुआ कुछ भी पदार्थ इस दिन नहीं खाते हैं और गेहूं मूंग नहीं खाते गाय बछड़े की पूजा करते हैं है बछ माता जैसे बहू की लाज रखी वैसे सबकी रखना खोटी की खरी अधूरी की पूरी बछ की तीसरी कहानी एक गांव में अकाल पड़ा तो गांव के साहूकार ने तालाब बनाया पर उसमें पानी नहीं आया साहूकार ने पंडितों से पूछा तालाब में पानी क्यों नहीं आ रहा तो पंडित जी बोले तुम्हारे दोनों पोतों में से एक पोते की बलि दो तो पानी आ जाएगा साहूकार ने सोचा एक पोता जाएगा पर गांव का भला हो जाएगा पर बहू से कैसे बात की जाए सोचने लगे बहू से बोले बहू तुम्हारे पियर से बुलावा आया है छोटे हंसराज को साथ लेकर जाना बचराज को यहीं छोड़ जाना बहू पिहर गई और पीछे बचराज की बलि दे दी गई तालाब में पानी आ गया अब साहूकार ने तालाब पर बड़ा यज्ञ किया सबको बुलाया तो बहू के भाई ने कहा बहन तेरे यहाँ इतना बड़ा उत्सव हो रहा है पर तेरे को नहीं बुलाया मुझे तो बुलाया है मैं तो जा रहा हूँ बहन बोली भैया घर में बहुत काम है इसलिए भूल गए होंगे अपने घर जाने में कैसी शर्म मैं भी चलती हूँ बहू घर आ गई सास ससुर डरने लगे कि बहू अभी पूछेगी तो क्या जवाब देंगे फिर भी सासू बोली बहू चलो बछ व तालाब की पूजा करने चलें दोनों ने पूजा करी सासू बोली बहू तालाब के किनारे कसुंबल से खंडित करो बहू बोली मेरे तो हंसराज बछराज है मैं खंडित क्यों करूं सासू बोली जैसा मैं कहती हूं वैसा करो तो बहू ने बात मानते हुए किनार खंडित की और कहा आओ मेरे हंसराज बछराज लड्डू उठाओ सासू मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी बछबारस माता मेरी लाज रखना भगवान की कृपा हुई और तालाब की मिट्टी से लिपटा बछराज व हंसराज दोनों दौड़े आए बहू पूछने लगी सासू जी ये सब क्या है तो सासू जी ने सच सच बता दिया और कहा भगवान ने मेरा सत रखा है इसलिए माताएं भी गोबर की पाल का तालाब बनाकर उसकी पूजा करके किनार खंडित करके उस पर लड्डू रखें वह अपने बेटे से उठवाएं खोटी की खरी अधूरी की पूरी अब बचबारस की चौथी कहानी एक गाय चढ़ती चढ़ती वन में दूर चली गई उसे एक शेर मिला वो गाय को खाने लगा तो गाय बोली तू आज मुझे मत खा मैं मेरे बछड़े से मिल आऊँ फिर खा लेना शेर ने गाय से वचन ले लिया घर पहुँच गाय बच्चे को दूध पिलाते समय रोने लगी आंसू बछड़े की पीठ पर गिरे बछड़े ने पूछा माँ आज तू क्यों रो रही है तो गाय बोली मुझे तो सुबह मरना है और सारी बात बताई बछड़ा बोला माँ मैं भी सुबह साथ चलूंगा माँ बोली शेर तुझे भी खा जाएगा पर बछड़ा नहीं माना सवेरे दोनों को देखकर शेर बोला ये तो बहुत अच्छा हुआ आज तो दो शिकार हैं इतने में ही बछड़ा बोला मामा जी पहले मुझे खाओ तो शेर बोला ये तूने क्या कर दिया मामा बोलकर भांजा बन गया गाय मेरी बहन हो गई मैं अब दोनों को ही नहीं खा सकता फिर शेर ने गाय को घास दी चूंदड़ी उड़ाई स्वर्ग से विमान आया बछड़े के कारण गाय बची शेर पाप से बच गया तीनों बैकुंठ को गए खोटी की खरी अधूरी की पूरी अब विनायक जी की कहानी विष्णु भगवान लक्ष्मी जी की शादी होने लगी सारे देवी देवता को बारात में जाने के लिए बुलाया गया तो सब बोलने लगे गणेश जी को नहीं ले जाएंगे वो तो बहुत सारा खाते हैं दून धूंधुढ़ सून सुडाल उखल में पाँव छाजले से कान मोटा मस्तक वाले हैं इनको साथ ले जाकर क्या करेंगे यही रखवाली छोड़ जाते हैं और सब बारात में चले गए नाराज जी ने गणेश जी को भड़का दिया कि आपका बड़ा अपमान किया है बारात बुरी लगती है इस कारण आपको नहीं ले गए अब तो गणेश जी को क्रोध आया और उन्होंने चूहों को आज्ञा दी कि सारी जमीन धोती कर दो धरती थोती होने से भगवान के रथ के पहिए धंस गए सब पच गए पर पहिए वापस नहीं निकले खाती को बुलाया वो आया उसने पहिए के हाथ लगाकर बोला जय गजानन जी और रथ निकल गया सब पूछने लगे कि गणेश जी को क्यों याद किया खाती बोला गणेश जी को सुमरे बिना कोई काम सिद्ध नहीं होता सब सोचने लगे कि हम तो गणेश जी को छोड़ ही आए एक जने को भेजकर गणेश जी को बुलवाया पहले गणेश जी का रिद्धि सिद्धि से विवाह करवाया फिर विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के साथ विवाह हुआ हे विनायक जी महाराज जैसे भगवान का काम सिद्ध किया वैसा सबका करना जय विनायक जी की तो यह थी बछबारस की कहानियाँ और गणेश जी की कहानी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे थैंक यू